नमस्कार दोस्तों, एंड्रॉइड बेड में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं Realme 2 Pro के कैमरे के UI कैसा है, कैमरे UI में आपको क्या कुछ फीचर्स देखने को मिलते हैं और क्या कुछ फीचर्स देखने को नहीं मिलते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और उसके अलावा कैमरे UI में फीचर्स क्या क्या मिल जाते हैं, इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट दे देता हूँ। मेरे चैनल पे चल रहा है गिव अवे। अगर आपको गिव अवे में पार्टिसिपेट करना है तो नीचे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा। उस लिंक में जाके एक वीडियो है, वीडियो के अंदर में जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक गिव अवे का ऑप्शन मिलेगा, आप उस गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो कैमरे UI को फर्स्ट में ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के लिए आप यहाँ से कैमरे UI को ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं फोटो मोड में आप इंटर कर जाते हैं। फोटो मोड में आपको जो ऑप्शन मिल जाते हैं वो है यहाँ पे 1x 2x का ऑप्शन मिल जाता है। आप यहाँ से 2x तक जूम यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको चाहिए तो आप 2x तक जूम करके फोटो कैप्चर कर सकते हैं, हालांकि ये ऑप्टिकल जूम नहीं है। और इसके अलावा आपको यहाँ पे AI ब्यूटी मोड का सपोर्ट मिल जाता है। रेयर से भी आप AI ब्यूटी मोड में सिलेक्ट करके फोटोज वगैरह कैप्चर कर सकते हैं, या फिर वीडियो हाई इफेक्ट को आप मैनुअली भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। फिल्टर्स का आपको ऑप्शन मिल जाता है। फिल्टर्स में डिफरेंट डिफरेंट फिल्टर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट फिल्टर्स लगा के आप यहाँ पे फोटोज वगैरह कैप्चर कर सकते हैं। और यहाँ पे टैप टू फोकस का आपको ऑप्शन आ जाता है। टैप करके आप फोकस कर सकते हैं ऑब्जेक्ट पे। और उसके अलावा टैप करने के बाद साइड में यहाँ से एक्सपोजर को आप अपने हिसाब से बढ़ा या घटा सकते हैं। और अगर आपको ऑटो एक्सपोजर या फिर ऑटो फोकस को लॉक करना है तो आप लॉक कर सकते हैं। इसके लिए आप सिंपली ऑब्जेक्ट के ऊपर टैप करके थोड़ा होल्ड कर दीजिए तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑटो फोकस और ऑटो एक्सपोजर जो है वो लॉक हो जाता है। अब अगर देखेंगे तो मैं क्लोज में जाऊँगा तो ये फोकस नहीं करेगा, या फिर दूर में जाऊँगा तब भी ये फोकस ठीक से नहीं करेगा। और आप अगर देखेंगे तो एक्सपोजर चेंज ऑटोमेटिकली नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर आप अगर ऑटो एक्सपोजर या फिर ऑटो फोकस को लॉक करना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं। खास करके वीडियो के टाइम में ये बहुत ही काम में आता है, क्योंकि वीडियो के टाइम में अगर ऑटो एक्सपोजर या फिर ऑटो फोकस ठीक ठाक काम नहीं करता है तो वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप मैनुअली ऑटो फोकस या ऑटो एक्सपोजर को ऐसे लॉक करके वीडियो वगैरह रिकॉर्ड कर सकते हैं। और उसके अलावा ऊपर की तरफ जाएंगे तो ऊपर में देख सकते हैं यहाँ पे फ्लैश का ऑप्शन दिया गया है। आप इसको ऑन ऑफ या ऑटो में रख सकते हैं, या फिर फील्ड लाइट का भी एक ऑप्शन आपको दिया गया है। उसके पास में आपको मिल जाता है HDR का ऑप्शन, जिसको आप ऑटो में रख सकते हैं या फिर ऑन करके रख सकते हैं या ऑफ कर सकते हैं। और उसके बाद आता है टाइमर का ऑप्शन। टाइमर आप 3 सेकंड या 10 सेकंड कर सकते हैं, या फिर टैप करके फोटो कैप्चर कर सकते हैं। उसके बाद में आता है फ्रेम का ऑप्शन, जिसके अंदर में आप स्टैंडर्ड रख सकते हैं, या फिर प्रोफाइल फोटो कैप्चर करने के लिए स्क्वायर में रख सकते हैं, या फिर फुल स्क्रीन में भी रख सकते हैं, जिसकी मदद से आप फुल स्क्रीन में फोटो कैप्चर कर सकते हैं। तो ये तो थे फोटो के अंदर आने वाले ऑप्शंस। अब चलिए साइड में देखते हैं क्या है। साइड में अगर जाएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड दिया गया है। पोर्ट्रेट मोड आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं। पोर्ट्रेट मोड में आप जो फोटो कैप्चर करेंगे तो उसमें जो ऑब्जेक्ट रहता है वो फोकस में रहता है और बाकी बैकग्राउंड थोड़ा ब्लर हो जाता है। तो यहाँ पर आप पोर्ट्रेट मोड का यूज़ कर सकते हैं। और सिर्फ पोर्ट्रेट मोड ही नहीं, यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको पोर्ट्रेट लाइटिंग का फीचर भी मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको नेचुरल लाइट में नॉर्मली रहता है, आप चाहे तो उसको चेंज करके फिल्म लाइट, मोनोक्रोम लाइट, या फिर रिम लाइट या बाइकलर लाइट को यूज़ कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से चूज करके पोर्ट्रेट लाइटिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। और पोर्ट्रेट मोड में देखेंगे तो यहाँ पे आपको और कोई ऑप्शन नहीं मिलता है, सिर्फ आपको ऊपर में टाइमर का ऑप्शन दिख जाता है। पोर्ट्रेट के बाद में आता है स्टिकर का ऑप्शन। स्टिकर्स को आप फेस के ऊपर स्टिकर्स लगा के, या फिर फेस के ऊपर थोड़े फिल्टर्स टाइप स्टिकर लगा के आप फोटोज वीडियो वगैरह कैप्चर कर सकते हैं। फ्रंट कैमरे के टाइम में मैं आपको और अच्छे से इसको समझा पाऊंगा। तो नेक्स्ट में है पैनोरामा का ऑप्शन। पैनोरामा में आप एक वाइड फोटो कैप्चर कर सकते हैं पैनोरामिक मोड में, जिसके बारे में मैंने डिटेल में आपको नहीं बताया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को शायद इसके बारे में पता है। और उसके बाद में अगर देखेंगे तो एक्सपर्ट ऑप्शन आता है। एक्सपर्ट का मतलब है प्रोफेशनल मोड। प्रोफेशनल मोड में आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिलेंगे, जैसे आप यहाँ पे वाइट बैलेंस को, एक्सपोजर को, ISO को, शटर स्पीड, या फिर ऑटो फोकस या फोकसिंग पॉइंट को भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। और इसके बाद ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक अल्ट्रा HD मोड का ऑप्शन मिल जाता है। अल्ट्रा HD मोड में जब आप कोई फोटो कैप्चर करते हैं तो उसका रेजोल्यूशन थोड़ा हाई होता है। जैसे अल्ट्रा HD मोड में क्या मैंने फोटो कैप्चर किया, तो अगर आप देखेंगे इसका जो रेजोल्यूशन है देख पाएंगे 6912x9216 है। लेकिन जब मैं इसको नॉर्मल मोड में फोटो कैप्चर करूंगा तो देखेंगे तो इसका रेजोल्यूशन थोड़ा कम हो जाएगा।
देख सकते हैं अभी का जो रेजोल्यूशन है वो है 3456x4604। तो अगर आप बहुत ज़्यादा रेजोल्यूशन में फोटो कैप्चर करना चाहते हैं तो आप अल्ट्रा HD में एक्सपर्ट मोड में आकर कैप्चर कर सकते हैं। तो उसके अलावा यहाँ पे टाइमर का ऑप्शन दिया गया है और फ्लैश का ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, और उसके अलावा 1x 2x का ऑप्शन यहाँ पे भी आपको मिल जाता है। तो फोटो मोड के लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे आपको वीडियो का ऑप्शन मिलेगा। वीडियो के अंदर जाएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो में आपको ब्यूटीफाई इफेक्ट का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे हालांकि AI वीडियो नहीं है, फिर भी आप ब्यूटीफाई इफेक्ट को ऑन करके वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम ब्यूटीफाई इफेक्ट का इस्तेमाल मैंने ओप्पो के फोन्स में या रियलमी के फोन्स में देखा, जो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगता है। अगर आपको ब्यूटीफाई इफेक्ट ऑन करके वीडियो रिकॉर्ड करना है तो आप इसमें वो कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको फिल्टर्स मिल जाते हैं, वीडियो मोड में भी आप फिल्टर लगा के डायरेक्टली वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। वीडियो मोड में भी आपको 1x 2x का ऑप्शन मिल जाता है, आप 1x में या 2x में करके वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। और ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको रेजोल्यूशन का ऑप्शन मिल जाता है। रेजोल्यूशन में जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैक्सिमम आप 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा 720p या फिर 1080p में रिकॉर्ड कर सकते हैं। वीडियो के टाइम में आप फ्लैश को ऑन या ऑफ करके वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। वीडियो के इतने ही सिर्फ ऑप्शंस थे। और टाइम लैप्स का जो ऑप्शन है यहाँ पे देख सकते हैं, टाइम लैप्स का आपको एक फीचर दिया गया है, लेकिन यहाँ पे आपको स्लो मोशन का कोई फीचर नहीं दिया गया है। और उसके साथ में ही वीडियो स्टेबिलाइजेशन का भी कोई ऑप्शन नहीं है, मैंने टेस्ट करके देखा है वीडियो स्टेबिलाइजेशन यहाँ पे नहीं है। तो ये तो थे रियर कैमरे के ऑप्शन। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा फ्रंट कैमरे में आपको क्या कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं। ऑलमोस्ट सिमिलर मिलेंगे, एक दो फीचर शायद अलग हो सकता है। और उसके अलावा अगर आप यहाँ पे वाटरमार्क डालना चाहते हैं कैप्चर्ड बाय रियलमी 2 प्रो तो वो भी आप काम कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। उससे पहले फ्रंट कैमरे को चलिए देख लेते हैं। फ्रंट कैमरे में आप लोग देख सकते हैं, फ्रंट कैमरे में फोटो मोड में आपको ब्यूटीफाई AI ब्यूटीफाई का ऑप्शन मिल जाता है। AI ब्यूटीफाई को आप ऑन करके फोटो कैप्चर कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप चाहें तो ब्यूटीफाई मोड को मैनुअली भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फ्रंट में भी आपको फिल्टर्स मिल जाएंगे, फिल्टर्स अपने हिसाब से लगा के आप यूज़ कर सकते हैं। ऊपर में सिमिलर ऑप्शंस है, खाली यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा ऑप्शन मिल जाता है जो कि है वाटर ड्रॉप टाइप, एक ऑप्शन मिल जाता है जो कि है डेप्थ मोड का। अगर आप बैकग्राउंड ब्लर वाला फोटो कैप्चर करना चाहते हैं तो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। फ्रंट पे आपको कोई पोर्ट्रेट मोड अलग से नहीं मिलेगा, फ्रंट पे आपको डेप्थ इफेक्ट वाला ऑप्शन मिल जाएगा। इसको सिलेक्ट करके फोटो कैप्चर करेंगे तो आपका बैकग्राउंड ब्लर होगा फ्रंट कैमरे से। उसके बाद भी में आपको मिल जाएगा टाइमर का ऑप्शन और साथ ही में फ्रेम का ऑप्शन। फोटो मोड के बाद आता है स्टिकर का ऑप्शन। स्टिकर के बारे में मैंने आपको रियर कैमरे के टाइम में बताया था। तो यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट स्टिकर्स चूज करके अपने हिसाब से आप यहाँ पे फोटोज वगैरह कैप्चर कर सकते हैं या फिर अगर आप चाहे तो वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। नॉर्मली आपको शटर बटन दिखेगा, आप अगर फोटो कैप्चर करना चाहते हैं तो नॉर्मली इसको क्लिक करके शटर बटन में क्लिक करके फोटो कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको वीडियो कैप्चर करना है तो आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे इस बटन को थोड़ा होल्ड करके रखना होगा। इसको होल्ड करके रखने के बाद आपका यहाँ पे कुछ देर का वीडियो जो है रिकॉर्ड हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे कुछ सेकंड का वीडियो रिकॉर्ड हो गया है। स्टिकर के बाद आता है पैनोरामा का ऑप्शन। पैनोरामा में आप फ्रंट पे भी वाइड फोटो कैप्चर कर सकते हैं। और फोटो के लेफ्ट साइड में आएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा वीडियो मोड का सपोर्ट। वीडियो मोड में देखेंगे तो यहाँ पे आपको टॉप में 1080p का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आपको 4K का ऑप्शन नहीं मिलता है। 1080p तक आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। और फ्रंट में भी आपको मिल जाता है टाइम लैप्स का फीचर, लेकिन कोई स्लो मोशन नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर आपने नोटिस किया हो तो कैमरे के अलग से कोई सेटिंग नहीं है, तो कैमरे का सेटिंग को आपको एक्सेस कहाँ से करें या फिर वाटर मार्क वाला ऑप्शन आप कहाँ से लाएं, उसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद आप एकदम नीचे की तरफ जाएं। नीचे की तरफ जाने के बाद आपको मिल जाएगा सिस्टम ऐप्स का ऑप्शन। सिस्टम ऐप्स को ओपन कीजिए, ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा कैमरे का ऑप्शन। कैमरे का ऑप्शन को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कैमरे के कुछ सेटिंग्स दिए गए हैं, जैसे फ्लिप सेल्फी। अगर आप सेल्फी को फ्लिप करके कैप्चर करना चाहते हैं तो फ्लिप सेल्फी को यूज़ कर सकते हैं। वाटरमार्क यहाँ से अगर आप लगाएंगे तो वाटरमार्क में आपको रियलमी 2 वाला वाटरमार्क मिलेगा, या फिर अगर आप चाहें तो यहाँ पे जो फोटोग्राफर है उसका भी नाम यहाँ पे डाल सकते हैं। फोटोग्राफर का नाम डालेंगे तो यहाँ पे जो फोटोग्राफर नाम आपने डाला है तो उसका नाम आ जाएगा। चलिए नाम डाल देते हैं एंड्रॉयड बडी, और उसके बाद फोटो कैप्चर करके देखते हैं क्या आता है। तो देख सकते हैं मैंने अपने चैनल का नाम डाल दिया था। तो डालने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे वाटरमार्क को इनेबल करने के बाद देख सकते हैं शॉट ऑन रियलमी 2 प्रो बाय एंड्रॉयड बडी लिख के आ रहा है। तो अगर आपको ऐसा करना है तो आप इसको सेटिंग्स में जाके कर सकते हैं।
और उसके अलावा आप यहाँ से ग्रिड को इनेबल कर सकते हैं, देख सकते हैं ग्रिड को आप इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं, शटर साउंड को आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, लोकेशन को आप रख सकते हैं और वॉल्यूम बटन को एज ए शटर यूज कर सकते हैं या फिर जूम के पर्पज पे यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे वीडियो कोडिंग का एक ऑप्शन दिया गया है, अगर आप वीडियो कोडिंग में जाएंगे तो यहाँ पे आपको H.265 या फिर H.264 में रिकॉर्ड करने का ऑप्शन मिलेगा। बेस्ट कॉम्पेटेबिलिटी में यूज करेंगे तो आपका H.264 कोडिंग पे रिकॉर्ड होगा, जिसकी मदद से ये पुराने डिवाइस के ऊपर भी सपोर्ट करेगा। और H.265 में करेंगे तो वीडियो का साइज जो है वो कम होगा, लेकिन वीडियो का जो कॉम्पेटेबिलिटी होगा वो पुराने डिवाइसेस में सपोर्ट नहीं होगा। तो दोस्तों ये था Realme 2 Pro के कैमरे UI और कैमरे के फीचर्स। यहाँ पे कुछ कुछ फीचर्स मिसिंग हैं, जैसे यहाँ पे आपको स्लो मोशन का फीचर नहीं मिलता है आपको, तो ये सब फीचर्स कैमरे से मिसिंग हैं। इसके अलावा कैमरे में जो फीचर्स है काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे और अपने हिसाब से आप उनको चूज़ करके यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आप लोगों को Realme 2 Pro का कैमरा UI पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और आपका दिन शुभ हो।